मैं बिल्कुल संक्षिप्त समय के लिए बगैर किसी भूमिका के सीधे आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इसलिए भी खड़ा हुआ हूं कि आज अपने नीमच के लिए, नीमच के विकास के लिए, चिकित्सा सेवा के समूचे प्रदेश की समृद्ध परंपरा को और समृद्ध बनाने के लिए, नीमच में तो पता नहीं परमात्मा की विशेष कृपा थी, यहां तो अपने बीच में से बीमारी के लिए नीमच भगवान का भी विशेष आशीर्वाद देता है। यहाँ डॉक्टर कम चाहिए, भादवा माता का पानी से ही लोग अच्छे हो जाते। ये आनंद कहीं आता तो नीमच में आता। लोगों को आश्चर्य लगता है, कई लोगों को जादू लगता है, कई लोग समझते ही नहीं है, कई लोग मजाक उनके हिसाब से हो सकता है, लेकिन हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है भादवा माता का आशीर्वाद। ये हमारे लिए कई कारणों से बहुत महत्व का है, और भाजपा के लिए स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का नेतृत्व, क्या होती है प्रशासनिक कुशलता, क्या होता है नेता का चरित्र, और क्या होती है दमदारी काम करने की, ये इसकी लघु मिसाल मिसाल कहीं मिली है। पूरे प्रदेश के लिए नीमच और मंदसौर, पूरे प्रदेश के लिए और भाजपा के लिए पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से सबसे मजबूत जिले में से एक नीमच जिला, ये मैं आपको बधाई भी देता हूं, और उनके नाम पे जो घोषित किया है ये हमारा सौभाग्य भी है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने अपने 67 के समय उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया है, और बाद में आपातकाल के अंदर संघर्ष करते हुए भी सरकार जब जनता पार्टी की बनी तो अपनी प्रशासनिक कुशलता के साथ एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा होता है, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सभी मुख्यमंत्री ने एक से बढ़कर एक काम किया है, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जी ने भी इतनी लंबी लाइन खींची है कि वास्तव में उसको देख के आनंद आता कि हमें लिए, हमारे लिए वो सदैव अपने लिए प्रेरणा के और आदर्श के एक अलग नेता के नाते से जाने जाते हैं। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तुरंत निकलना है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलना था, और नीमच में आके तो ऐसा लगता है कि माइक मिल जाए और नीमच वाले मिल जाए तो सब भूल जाओ और कुछ याद ही नहीं रहता, इतना प्रेम लुटाते हैं हमारे अपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी क्षमता से, ऊर्जा से। मुझे मालूम है नीमच के अंदर अभी औद्योगिक निवेश के लिए हम प्रदेश भर में अभियान चला रहे हैं, लेकिन बहुफसली व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार के माध्यम से नीमच में एमओयू, पतंजलि योग संस्थान बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, हमने उनको नीमच से जोड़ा है जो अपने औषधि फसलों के लिए वो यहां काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, धन्वंतरी जयंती है। औषधि फसलों की माननीय जगदीश जी, माननीय राजेंद्र जी, ये सबसे बड़ी मंडी है पूरे प्रदेश के अंदर। धोली मुसली, अश्वगंधा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, और दिमाग वालों की भी कमी नहीं नीमच में है, एक से बढ़कर एक। क्या जोरदार, सारे ताले बंद को खोलने का अगर कहीं मौका मिले तो नीमच में ही मिलता है, और कहीं नहीं मिलता है। हमारे लिए जो काम असंभव हो कोई करे ना करे, नीमच को दे दो, नीमच नंबर वन पे करके देता, ये मैं पक्का गारंटी से ले सकता हूं। इसलिए नीमच में जो हो जाए, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, बहुत जल्दी मौका आएगा इसी 4-6 महीने के अंदर, जब एशिया से लुप्त होने वाला चीता गांधी सागर में आकर के पर्यटन के नए द्वार खोलेगा, नया आनंद देगा। और ये मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में अपने होनहार विद्यार्थियों के भरोसे से चिकित्सा क्षेत्र में ना केवल प्रदेश, ना केवल देश, बल्कि दुनिया में नाम कमाएंगे। ये मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। कोई भी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी वो अपने लिए नहीं होते हैं, समूची मानवता के लिए। हमने देवी देवताओं को नहीं देखा है, लेकिन
डॉक्टर के रूप में भगवान को हम देखते, ये हमारी संस्कृति है, ये सदैव सदैव हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। आपका महत्व भी बहुत है, आपका स्थान भी ऊंचा है। और रावण के काल में भी दुश्मन देश की तरह लड़ रहे थे आपस में, लेकिन भगवान राम के भाई पे जब वार हुआ तो सुसेन वैद्य ने चिकित्सा सेवा के बलबूते पर मानवता के लिए दुश्मन के भी भाई का इलाज करके अपनी चिकित्सा व्यवस्था का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। यह हमारी पद्धति है, यह हमारी संस्कृति है। आज के इस अवसर पर एक नए मेडिकल कॉलेज की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाले दीपावली पर की मंगल कामना करता हूं, बधाई देता हूं। और एक फोर लेन आप मांग रहे हो, इतना सारा काम आपने करा लिया है, अब तो जग खाओ भैया, थोड़ा थोड़ा दया करो। लेकिन आपने कहा कि झालावाड़ रामपुरा होकर के नीमच से झालावाड़ होकर फोर लेन बनाने की मांग कही है, और मैं भूल नहीं सकता हूं, रामपुरा से भी मेरा विशेष संबंध रहा है जगदीश देवड़ा जी के माध्यम से 40 साल से। हमारे बीच में भले वो मलारगढ़ के विधायक है, लेकिन पूरे प्रदेश के नेता है और परिषद के समय से जगह जन जन से जुड़े हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस फोर लेन की मैं घोषणा करता हूं, ये फोर लेन के माध्यम से एक नया विकास का दरवाजा खुलेगा। पुनः आप सबको आगामी के दीपावली पर्व की बधाई। आप और एक बात आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने शासकीय स्तर पर धूमधाम से मनाने की शुरुआत की है। दशहरे में शस्त्र पूजन किया, जोरदार अभिनंदन करो। दशहरे के उस रावण तो जलेगा, भगवान राम ने मारा, लेकिन मारा काय से, शस्त्र से। और हमारी संस्कृति के दुश्मन भी बहुत सारे दिख रहे हैं, इसलिए हमको सबल बनना पड़ेगा, सक्षम बनना पड़ेगा। शस्त्र का महत्व है, उसको रेखांकित करना पड़ेगा। इसलिए दशहरे पे हमने शस्त्र पूजन की परंपरा चालू की। दीपावली का आनंद हमारा अलग मनता है, लेकिन सच्चे अर्थों में कृषि प्रधान हमारा प्रदेश और देश है, इसलिए गोवर्धन पूजा भी होना चाहिए धूमधाम से। गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा की जाएगी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, धन्वंतरी भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।